पैनी नजर, बड़ी खबरों पर बड़ी बहस, अब सजेगा विचार, बहस पक्ष विपक्ष का रणक्षेत्र। नमस्कार, रणक्षेत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना और हर बार रणक्षेत्र में हम कोई ऐसा मुद्दा उठाते हैं जो आपकी जिंदगी को प्रभावित कर रहा है और बात करते हैं, निष्कर्ष करते निकालने की कोशिश करते हैं, चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि आखिर चूक कहां हो रही है। आज भी एक ऐसा ही मुद्दा हम लेकर आए हैं आपके सामने। जी हाँ, एक ऐसा रेलवे ट्रैक जो कानपुर को दो हिस्सों में बांटता है और सबसे बड़ी बात जिससे एक बहुत बड़ी आबादी के साथ साथ व्यापार भी प्रभावित होता है, वो भी कानपुर का। तो आज बात हम यहाँ पे करेंगे बेपटरी कारोबार यानी अनवरगंज मंधना रेलवे ट्रैक की। हम मांगेंगे हर सवाल का जवाब, हम उठाएंगे आपसे जुड़ी हर बात, हम बुझाएंगे सवालों की आग, रहेगी हर मुद्दे पर पैनी नजर, बड़ी खबरों पर बड़ी बहस, अब सजेगा विचार, बहस पक्ष विपक्ष का रणक्षेत्र। तो आज इस चर्चा में हमारे साथ जो खास मेहमान यहां पर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं इस चर्चा में, उनसे आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ आज यहां पर मौजूद हैं भाजपा का पक्ष रखने के लिए रंजीत भदौरिया जी, साथ में सपा का पक्ष रखने के लिए हैं उदय द्विवेदी जी, तीसरी तरफ आपको बता दूं आईएम रोहतगी जी भी यहां पर मौजूद हैं जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं मर्चेंट चैंबर के, और सबसे बड़ी बात जब व्यापार की बात हो रही है तो 80 फीट रोड कारोबारी व्यापार संघ के जो अध्यक्ष हैं, कहीं ना कहीं उन जो नेता हैं उनसे जुड़े हुए आलोक श्रीवास्तव जी, तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पर लगातार उठता आ रहा है, आप सभी उससे मुखातिब, आप सभी उसको जानते हैं कि एक बहुत बड़ी आबादी हमारे कानपुर शहर की प्रभावित हो रही है और कई बार ये मसौदा तैयार करने की कोशिश की गई है कि अनवरगंज से जो मंधना का रूट है रेलवे ट्रैक का, उसे हटाया जाए, यानी एक तरह से 20 लाख की आबादी को एक तरह से तोहफा दिया जा सकता है, लेकिन बावजूद उसके ऐसा नहीं हो पा रहा। मंशा की कमी कहें या फिर ये कहें कि क्यों नहीं होने दिया जा रहा है, आखिर ये सवाल हमारे कानपुर शहर की जनता उठाती आई है, व्यापारी उठाते आए हैं। अनवरगंज से मंधना के बीच 19 बात करें तो 19 फाटक, क्यों इस तरह से आबादी को प्रभावित होने दिया जा रहा है? सवाल सीधा भाजपा से, क्योंकि सरकार उनकी है और उनसे ही सवाल उठता है, क्योंकि इनके जो सांसद रहे हैं, जो सांसद अभी वर्तमान में भी हैं सत्यदेव पचौरी जी, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया था, रेल मंत्री से मिले, बावजूद उसके आखिरकार मसला निकल क्यों नहीं रंजीत जी? धन्यवाद अनुराग जी। आज का जो विषय है, मैं समझता हूँ ये किसी पार्टी का पक्ष न रख के मैं भी एक कानपुर का नागरिक हूँ, मुझे भी परेशानी होती है, मुझे भी तकलीफ होती है और यहाँ की जनता की पीड़ा से मैं भली भांत, मैं ही नहीं हमारी संगठन भी भली भांत परिचित है और हम सब भी चाहते हैं कि ये लाइन की जो पटरी मंधना और अनवरगंज है ये हटे। 2012 से गंभीरता से इस विषय पे प्रयास चालू हुए थे, अनुराग जी आपको बताना चाहूँगा, 2012 से ये पटरी हटाने या इस पर क्या व्यवस्था हो सकती है, कैसे लोगों को इस परेशानी से निजात मिल सकता है, इस पे 2012 से गंभीरता से चर्चा चालू हुई थी। 2012 में केंद्र में यूपीए की सरकार थी, उन्होंने भी प्रयास किया था कि इसके क्या विकल्प हो सकते हैं। खैर, उन्होंने जो भी काम किए हों, हमें नहीं पता है क्यों नहीं कुछ हुआ। इसके बाद 2014 में जब भाजपा की हमारी केंद्र में सरकार बनी तो आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी जो हमारे सांसद कानपुर के हुए, उन्होंने इस विषय को, चूंकि चुनाव के मध्य उनसे कई व्यापारी संगठनों ने इस बात के लिए अपने पीड़ा रखी थी कि सांसद जी हमारी ये पीड़ा है, इसको आप दूर कराइए, तो उन्होंने सांसद महोदय ने, तत्कालीन जो हमारे जोशी जी थे, उन्होंने रेलवे से इस विषय में चर्चा विस्तृत रूप से की और लोगों को इस परेशानी से कैसे वो बच सकते हैं इस पर विकल्प ढूंढने का प्रयास किया गया। तो उस समय के जो रेलवे के बोर्ड और जो और अधिकारी सारे थे जो इस विषय संबंधित थे, उनकी एक बैठक के बाद 3 महत्वपूर्ण उन्होंने फार्मूले निकाले इस जाम से किस तरह से मुक्त हम लोग हो सकते हैं। तो पहला एक फार्मूला उन्होंने एलिवेटेड रेलवे लाइन का, दूसरा
इस रेलवे लाइन को उस समय एक प्रयास किया गया था कि मकसूदाबाद होते हुए पनकी रेलवे लाइन से जोड़ दिया जाए, या इसे भिठूर से होते हुए उन्नाव की तरफ मोड़ दिया जाए, ये सब चीज़ों पे चर्चा हुई। और व्यवहारिक रूप से अंडरपास भी बनाने का भी प्रयास हुआ, लेकिन व्यवहारिक रूप से जरीब चौकी हो या गुमटी हो या अपना गुरुदेव पैलेस हो, यहाँ पे ये पुल जो है बनना मुश्किल था। तो इस तरह से तमाम बार ये चूंकि एक बहुत बड़ी योजना होती है, हर विषय पे इसमें ध्यान रखना होता है कि कहाँ से पुल निकलेगा, कहाँ पे सीवर लाइन पड़ी है, तो कुछ ना कुछ त्रुटियां आते आते ये समय भी बीतता रहा। लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ अनुराग जी। जी आप बताएं कब तक, सवाल ये है, 2012 से 2020 हो चुका है, आखिर कब तक? अनुराग जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2017 और 18 में हमारे दोनों सांसद आदरणीय जोशी जी और भोले सिंह जी, इन लोगों ने बहुत ही तल्लीनता से इसके बारे में प्रयास किया, और उसके बाद ही इसमें जो है रेलवे जागा और उसने प्रयास करने के लिए अपने कदम उठाए। जो उनकी योजनाएं थी कमोवेश वो योजनाएं भौतिक रूप से नहीं संभव थी, अब लेकिन जो है हमारी सरकार ने निश्चित कर लिया है कि ये रेलवे लाइन हटाने के अलावा इसका कोई विकल्प नहीं है। मैं आज इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि निकट भविष्य में अति शीघ्र, चूंकि ये एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें बहुत सारी धनराशि की भी आवश्यकता होती है, उसके अलावा धनराशि तो खर्चा हो सकती है, लेकिन जो ज़मीनें हमें चाहिए इसके विकल्प के रूप में, जो हमें दूसरी रेलवे ट्रैक बिछानी होगी वहाँ की ज़मीन अधिग्रहण करनी पड़ेगी, वहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछाना, चूँकि अब इतनी ज़्यादा ट्रेनें यहाँ पर हम इस पर इतनी ज़्यादा निर्भर हो गए, तमाम मालगाड़ियाँ कानपुर में आती हैं बाहर सुदूर जगहों से कुछ सामान लेके, तो अब वो चूंकि एकदम से बंद तो नहीं की जा सकती है, लेकिन मैं आश्वासन देता हूं कि अति शीघ्र ये रेलवे लाइन हटेगी। हमारे सांसद जी और हमारे केंद्र के कैबिनेट मिनिस्टर सतीश महाना जी भी इसमें प्रयासरत हैं और हमारे दूसरे सांसद जी प्रयासरत हैं, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि कानपुर वासियों को अति शीघ्र ये रेलवे क्रॉसिंग हटेगी और उन्हें इस जाम से, और उन्हें क्या हम सबको इस जाम से, मैं यहाँ पे भाजपा के नहीं एक कानपुर के नागरिक की हैसियत से पीड़ा व्यक्त कर रहा हूँ, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते यह आश्वासन दे रहा हूँ कि बहुत जल्दी मेरे ख्याल से 4-5 साल के अंदर हम ये रेलवे लाइन हटी हुई और नई रेलवे लाइन जुड़ी हुई देखें। चलिए मान लिया, जुमला नहीं रहेगा ये जी, ये यकीनन होगा, लेकिन आईएम रोहतगी जी मैं सीधा संवाद आपसे करूँगा सर, आपने नज़दीक से देखा है कानपुर की सारी व्यवस्थाओं को और कहीं ना कहीं आप मुखर भी रहे हैं इस समस्या को लेकर। जिस तरीके से रंजीत जी ने यहाँ पे कहा कि बहुत प्रयास किए गए, सांसद मुरली मनोहर जोशी जी का नाम उन्होंने ले लिया, अगर सांसद जी की बात की जाए तो थोड़ा देखा जाए तो उन्होंने सांसद बनने के बाद खुद कभी कानपुर की ली नहीं, ये दुनिया जानती है और कानपुर के क्षेत्र भी के लोग भी जानते हैं। दूसरी बात, जिस तरीके से उन्होंने कहा करोड़ों रुपये खर्च होने हैं, करोड़ों रुपये खर्च होने की बात जब की जा रही, तो आप सबसे पहले ये आप भी जानते होंगे रोहतगी जी कि 50,000 घंटे जो श्रम के घंटे होते हैं वो इन ट्रैक्स पर फंस कर वो बर्बाद होते हैं, हजारों करोड़ों का नुकसान होता है, तकरीबन 2 करोड़ का नुकसान रोज कानपुर शहर को हो रहा है औद्योगिक, अगर बात करूं उस रूप से। ऐसे में रोहतगी जी आपको लगता है कि जिस तरह से सरकारों ने कवायद की है, कोशिशें की है, वो यथार्थ के धरातल पर दिखाई पड़ रही है या हो सकता है? देखिए पहले तो ये जैसा आपने अभी बताया कि 2012 से इसको ज़्यादा उसमें लिया गया, 2013 से मर्चेंट चैम्बर इसमें इन्वॉल्व है, जब मैं प्रेसिडेंट भी बात करता था 2014 में, तो श्री प्रकाश जी थे उस समय भी, हम लोगों ने श्री प्रकाश जी जब भी कानपुर आते थे तो एक ही इशू को हम लोगों ने परस्यू किया कि रेलवे लाइन कैसे हटेगी। तो आप ये देखिए, ये इशू ऐसा है कि एक पर्टिकुलर लोगों के लिए नहीं है, पूरे शहर के वासियों के लिए है। इसमें फील होता है, कोई भी फील्ड ले लीजिए, चाहे वो मेडिकल की हो, तो कुछ हॉस्पिटल उधर है, मेन हॉस्पिटल से जयहर्षला और दोनों यहीं पे हैं, और क्या कहते हैं, अगर आप मेडिकल कॉलेज भी यहीं पे है, अगर आप एजुकेशन की बात करें तो आधे स्कूल उधर हैं, आधे स्कूल इधर हैं, अगर कचहरी की बात करें तो कचहरी इधर है। तो ये देखा गया कि ओवरऑल जो इम्पॉर्टेंट फील्ड्स हैं, जो कि जिनके लिए कि लोगों को ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए तो बहुत ही दिक्कत, व्यापारियों के लिए दिक्कत की बात है, कोई भी सोचता है इस पार से उस पार तो उसे 10 बार सोचना पड़ता है।
तो ऐसे इशू को लेकर मर्चेंट चैम्बर बहुत सीरियसली उस पर प्रयास करता चला आ रहा है। जैसा आपने अभी कहा कि मुरली मनोहर जी भी, हम लोगों ने कई मीटिंगें मुरली मनोहर जी के साथ भी की, और मगर ये रिजल्ट की जैसा कि बार बार कभी कभी नए नए वो दिए गए कि ओवरब्रिज बना देंगे तो उसके रेलवे लाइन के ऊपर एक चला देंगे, तो ये सब चीज़ें सब फेल होती चली गई। तो अभी जो प्रयास हो रहा है उसमें पचौरी जी इन्वॉल्व हुए और उसमें सारी पुराने जितने भी रिकॉर्ड थे कि इस तरीके की हम लोगों ने जब जब लिखा तो कुछ कुछ तरीके का उसमें इश्यूज बनाकर उन्होंने जो भी दिया उसको देखने के बाद अब ये समझ आता है कि अब जो है वो प्रॉपर तरीके से हम लोग उस पर पहुँचे हैं कि हम लोग अब इस इश्यू को अगर अब इसी लाइन में हम इशू करेंगे और परसू करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि जैसा अभी हमारे भाई ने कहा कि ये जल्दी ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी उम्मीद आपको भी है, उम्मीद हमें भी है। लेकिन सीधा संवाद अगर हम बात करें, जो हमारे विपक्षी पार्टी की बात करते हैं, आज विपक्ष में हैं, कल इनकी भी सत्ता थी, केंद्र में भले नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं जो सत्ता की बात हम करते हैं राज्य में, उत्तर प्रदेश की कमान संभाली सपा ने, अखिलेश यादव जी ने जी। आखिरकार उदय जी, कमी कहाँ पर रह गई, क्यों नहीं हो पाया, मंशा में कमी रही? बीजेपी की बात छोड़ दें, अगर आपके हाथ में कमान थी आपसे भी कहीं कुछ कमी रह गई क्या? मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भरपूर प्रयास सदन से लेकर सेंट्रल तक किया और उन्होंने करके दिखाया कि इस रेलवे पटरी का हमेशा के लिए इसको हटा दी जाए, क्योंकि नियर अबाउट 50 गाड़ियां इस रेलवे पटरी से रोज 24 घंटे निकलती हैं और एक मिनट क्रॉसिंग बंद होने का मतलब है कि भैया 15 मिनट तक की क्रॉसिंग, 15 मिनट तक का जाम 19 क्रॉसिंगों पे लगता है, तो समझ लीजिए क्या व्यापार की स्थिति होगी। आज गुमटी अलग हो गया है, 80 फिट अलग हो गया है, पी रोड अलग व्यापार मंडल व्यापार हो गया है। व्यापार तब होगा जब वहाँ कस्टमर आएंगे। कस्टमर क्यों आएंगे? जाम में फंसने के लिए आएंगे क्या? भाजपा कहती है कि हमने पुल बनाए, हमने ये बनाया, गोविंद नगर पुल की हालत देख लीजिए आप, सीओडी पुल की हालत देख लीजिए आप, हेलड़ की पुल की हालत देख लीजिए। निरंतर मेरी पार्टी, मेरे विधायक, मेरे नगर अध्यक्ष निरंतर हर हफ्ते धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आप मीडिया के, आपके नेतृत्व में जनता को ये संदेश दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सड़क पर इस चीज़ का विरोध कर रही है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कई बार सेंट्रल में लिख के दिया है, करना सेंट्रल को है क्योंकि सेंट्रल के अंडर में ये रेलवे आती है। और अभी तक कितनी बार पेपरों में निकला कि रोज सर्वे हो रहा, रोज हो रहा, पर धरातल पर कोई चीज़ आज तक नहीं आई, सिर्फ पेपर वर्कआउट कि आज पेपर में ये हो रहा, आज वो हो रहा। अभी तक जनता को और किसी व्यापारी को इस चीज की रिलीफ नहीं मिली। उदय जी, धरना प्रदर्शन तो होता रहेगा, धरना प्रदर्शन ठीक है, चुनावी समीकरण को समझते हुए धरना प्रदर्शन आप करते हैं, करते रहेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है जी। मुद्दा सिर्फ ये है कि अगर मान लीजिए सेंटर में नहीं सुन रही है सरकार जी, ठीक है, आप यहाँ पे सत्ता में रहे जी, अखिलेश यादव एक छोटे छोटे मुद्दे पर ट्वीट करते हैं जी, आज तक अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को लेकर कभी ट्वीट किया? कानपुर जब भी आए सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी, कभी इसके घर कभी उसके घर या पर्सनल किसी कार्यक्रम में, क्या उतर कर एक पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते क्या इन चीज़ों को समझने की कोशिश की, कि व्यापारियों से मिलने की कोशिश की अभी इस बीच में? नहीं नहीं, ये आप जो कह रहे हैं आपका सवाल सही है, पर मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष निरंतर ये विधानसभा लेके कई बार लिख के सेंट्रल को दिया है उन्होंने, मेरे पास इसके इस समय कागज़ नहीं है तो मैं एविडेंस आपको इस चीज़ का दिखवा सकता था। निरंतर अखिलेश जी ने और व्यापारियों के लिए उन्होंने व्यापार संगठन बना रखे हैं, हमारा व्यापार संगठन निरंतर यहाँ धरना प्रदर्शन व्यापारियों को लेके करता रहा है। और रही सवाल की बात, तो वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो किसी कार्यकर्ता के सुख दुख में आना तो इसको रोटी सेकना तो कहेंगे नहीं, वो अपने किसी भी अपने कार्यकर्ता के घर दुख में और किसी कार्यकर्ता के सुख में आ सकते हैं। कार्यकर्ता की बात छोड़ दीजिए, आम जनमानस की बात जब आती है तो वो दुख संवेदना व्यक्त करने पहुंच जाते हैं, लेकिन जो व्यापारियों के साथ संवेदना होनी चाहिए तो हमारा अनुराग भैया व्यापार संगठन यहाँ काम कर रहा है और जो हमेशा व्यापारियों की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन आवाज उठाता रहता है परमानेंट, आप देख रहे होंगे, आपके न्यूज के माध्यम से भी ये संदेश हम लोग देते ठीक है। आलोक जी, व्यापारियों की जब बात आती है तो व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या हो जाती है ये रेलवे ट्रैक, दादानगर की अगर बात कर रहे हैं गुजरती है,
अगर हम पनकी के इंडस्ट्रियल एरिया की बात कर लें तो ये ट्रैक बीच में पड़ती है। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो रावतपुर क्रॉसिंग पे भी ये ट्रैक होकर गुजरता है। कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई, हॉस्पिटल, सारी चीज़ें जैसे रोहतगी जी ने गिनाए, सारी चीज़ें बाधित होती हैं। अभी परसों का मैं बता रहा हूँ, मैं खुद वहाँ से गुजरा हूँ तो दे पता चला कि कई घंटे रावतपुर का जो क्रॉसिंग है वो बंद रहा है। लोग आर पार आने जाने में परेशान हुए हैं, लोगों को कितनी समस्याएं हो रही। दूसरी बात, मेट्रो का निर्माण हो रहा है, ऐसे में जो छोटे छोटे कारोबारी हैं, छोटी छोटी दुकानें कर रहे हैं मेट्रो के आसपास या उस साइड, उनके कारोबार पर असर पड़ रहा है। ऐसे में व्यापारीगण क्या करें, क्योंकि जो 2 करोड़ का नुकसान जो पर डे हो रहा है, दूसरी बात जो श्रमिक वहाँ पर जा रहा है, श्रमिक घंटों जाम में फंसता है, 50,000 घंटे मायने रखता है कि श्रम घंटे जो हैं वो बर्बाद हो रहे हैं पर डे। व्यापारियों की क्या समस्या, व्यापारी क्या चाहता है? देखिए अनुराग जी, इसमें सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसी चीज़ को देखते हुए आज से लगभग 12 वर्ष पहले, 10-12 दशक हो गया लगभग, हम लोगों ने गुमटी नंबर 5 व्यापार मंडल के साथ मिलकर के एक प्रयास शुरू किया कि सबसे बड़ा जो इस, आपको भी सोचिए, इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि शहर को एक चीज बीच से बांट रही है, आधा शहर इधर आधा शहर उधर। बच्चे स्कूल से छुट्टी हो रही है तो बच्चे मुंह लटकाए बेचारे जो है रिक्शे में पड़े हुए हैं कि क्रॉसिंग कब खुले, कब घर जाएं। एम्बुलेंस में मरीज फंसा हुआ, उसके परिवार जन ये कामना कर रहे हैं कि किसी तरह भगवान करे क्रॉसिंग खुल जाए और हम अस्पताल पहुंच जाएं। तो सरकारी कर्मचारी हो, प्राइवेट कर्मचारी हो, बेचारे इस चक्कर में है कि कुल मिला के क्रॉसिंग खुले, हम समय पर ऑफिस पहुँच जाएँ। उसके अलावा कस्टमर्स की तो आप बात छोड़ दीजिए, कस्टमर ने तो आना ही लगभग ना के बराबर कर दिया क्योंकि क्रॉसिंग बंद रहती है, वो कहते भैया वहाँ जाकर अपना समय खराब करना है। तो बाजारों की स्थिति तो बहुत ही खराब होती जा रही है, कुल मिलाकर देखा जाए व्यापार की स्थिति तो पूरी गड़बड़ है। और जहाँ तक आपने कहा मेट्रो की वजह से, तो रावतपुर से लेकर के जहाँ जहाँ मेट्रो गुजर रही है, जहाँ बन रही है, फिलहाल व्यापार की स्थिति वहाँ बहुत खराब है। उसको देखते हुए जब हम लोगों ने 1 दशक पहले प्रयास शुरू किया तो कुछ लोग साथ आए, लेकिन धीरे धीरे करते करते हम लोगों ने अपने प्रयास को नहीं छोड़ा और आज की डेट में ये हो गया कि कम से कम इस रेलवे लाइन को लेकर के कि शासन प्रशासन और सत्तारूढ़ दल हो या कोई भी दल हो, आज वो हमारे साथ जो है इस मांग को प्रमुखता के साथ उठा रहे हैं। और मैं आपको फैक्ट बता दूँ कि जब तक ये समस्या है, यानी कि अनवरगंज मंदना ट्रैक है, तो आप ये मान के चलिए कि कुल मिलाकर के शहर की स्थितियाँ आए दिन और बिगड़ती जाएंगी। करोड़ों रुपए का पेट्रोल डीजल बेकार में फूंका जा रहा है, पॉल्यूशन फैल रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। लोग बाग वहाँ पे अपनी गाड़ियाँ स्टार्ट करके खड़े, भाई जाड़े के टाइम में चलिए बंद कर देते, लेकिन गर्मी के टाइम इतनी गर्मी होती है कि एसी चल रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट एक प्रयास कर रही है कि जगह जगह पे तमाम संयंत्र लगा रही है कि हवा इससे शुद्ध होगी और पेड़ लगाओ, मैं कहता हूँ अगर ये रेलवे लाइन अगर हट जाए तो आप समझ कहते शहर का 40% पॉल्यूशन कम हो जाएगा। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से इस जाम में, इस रेलवे ट्रैक की वजह से जो श्रमिक फंसता है, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से वो भी परेशान होता है, चिड़चिड़ापन आता है, उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं व्यापार पे पड़ता है? अनुराग जी, चिड़चिड़ापन मैं आपको बता दूं, आप कभी भी देख लीजिए जब मालगाड़ी आती है, उससे 55-60 डब्बे की मालगाड़ी होती है, जब वो रुक जाती है क्योंकि उसको आगे जो है नवरगंज पर ट्रैक क्लियर नहीं मिलता है, तो आप मान के देखिए कि लोगों को संयम कैसा टूटता है कि मालगाड़ी खड़ी है और लोग नीचे से और उसके ऊपर चढ़ के निकलना शुरू कर देते हैं। इससे बड़ी मानसिकता लोगों की जो परेशानी है अब क्या हो सकती है, आप सोचिए कि लोगों को जाना है, कब तक बेचारा ऑफिस से छूटा है या ऑफिस जाना है, उसको घर पहुंचना है, घर में उसके हो सकता कोई बीमार हो या कोई काम हो, वो भागता है तो मान सब मालगाड़ी खड़ी है या ट्रेन खड़ी है, तो आप समझिए उसके अपना रिस्क जान पर हथेली पर रख करके उसके नीचे से निकल रहा है और या तो उसके ऊपर से पार कर रहा है, तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? तो आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से आप सब व्यापारी संगठन कोशिशों में लगे हुए हैं, जो शासन प्रशासन की बात की जाती है, कई सांसद इस मामले में सामने आए, जैसे कि रंजीत जी ने नाम गिनाए, मुरली मनोहर जोशी जी की बात की, कहीं ना कहीं भोले जी की बात की और सबसे बड़े पचौरी जी की बात की, तो जिस तरीके से नाम गिना दिए और कवायद की जा रही है, 2012 से चल रहा है, यूपीए को भी घसीट लिया इन्होंने, कहा यूपीए ने कुछ नहीं किया, अब हम आए हैं, हम करके दिखाएंगे, तो कब तक करके दिखाएंगे? 6 साल तो हो चुके हैं सर। अगर आज ये घोषणा कर दे, मैं आज आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि आज डिक्लेयर कर दी जाए कि रेलवे लाइन हटेगी, तब भी इसको हटाने में 6 से 8 वर्ष लगेंगे। बिल्कुल, ये समझ के चलिए कोई आसान खेल नहीं है। तो इस वजह से हमारा हमेशा एक मानना है कि इसको जितनी जल्दी से जल्दी इनके मतलब शासन तक, मतलब बात तो पहुंची हुई है, लेकिन जितनी जल्दी निर्णय ले लिया जाए, तो ये मान के चलिए हमारे आगे आने वाली पीढ़ी, जो हमारे बच्चे हैं या हमारे आगे जनरेशन है, उसको सुकून मिले। हम लोग तो अपनी जिंदगी आप समझ के चलिए कि 5-10 साल 20 साल जो भी बची है उसको तो जो भी हटेगी नहीं हटेगी अलग मैटर है, लेकिन अगर हमको कानपुर की एक जनरेशन को अगर रखना है, बचाना है, तो निश्चित तौर पर रेलवे लाइन को हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में आप मान के चलिए कि शहर के प्रतिभाशाली 60-70% बच्चे यहाँ से पढ़ते नहीं, यहाँ से पढ़ने के लिए वो बेंगलोर है और अदर कंट्रीज में, सॉरी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं जहाँ एजुकेशन का लेवल हायर है। इससे बहुत फर्क पड़ता है। आप देखिए ना,
जो भी बसें आ रही हैं या जो भी स्कूल की बसें हैं, इंस्टीट्यूशन की बसें हैं, वो सब फंसी हैं, बच्चे उसमें पढ़े हुए हैं, भाई उसका आप सोचोगे साइकोलॉजिकल यानी कि उसके ब्रेन पे कितना बड़ा असर पड़ रहा है कि वो जो सफर उसको 10 मिनट में तय करना होता था वो सफर 1 घंटा 1.5 घंटा लग रहा है, उसके बाद थक जाता है। रंजीत जी, जी कहते हैं टाइम इज मनी, जी जी, और ये टाइम जो है ये कहीं ना कहीं वहां पर फंस कर खराब हो रहा है, व्यापार भी खराब हो रहा है, लोग जिस तरह से आलोक जी ने बताया कि वहां पर लोग जाना नहीं चाहते हैं, मतलब सच में कहें तो हम जैसे लोग भी नहीं जाना चाहेंगे जी, क्योंकि रेलवे ट्रैक में फंसना कौन चाहेगा जी। सबसे बड़ी समस्या ये है कि 6 साल आपकी सरकार को सेंट्रल में हो चुके हैं, जिस तरह से उदय जी ने भी कहा कि कई बार कोशिशें की हैं अखिलेश यादव ने, कई बार वहां पर उन्होंने लिख के भेजा है, एविडेंस भी उन्होंने कहा कि इनके पास है लेकिन यहाँ पर नहीं है, लेकिन बावजूद उसके मैं कहता हूँ कि आखिरकार कितना समय लगेगा, क्योंकि आलोक जी ने यह भी कह दिया कि अगर निर्णय हो भी जाता है तो भी 7 से 8 साल, और कितने करोड़ों का नुकसान, क्योंकि पर डे 2 करोड़ का नुकसान तो ऑलरेडी हो रहा है। देखिए अनुराग जी, मैंने आपसे आरंभ में ही बताया कि 2017 के बाद से हमारे सांसद जी ने, भोले जी हों या जोशी जी हों, इस विषय में गंभीरता पूर्वक जो है रेलवे से लिख के चिट्ठियाँ और इस शहरवासियों को इससे मुक्त करने के लिए जो भी प्रयास हो उनको करने का अनुरोध आदेश कुछ भी मानिए वो किया। मैंने बताया आपको उन्होंने 3-4 विकल्पों के रूप में अपने प्रस्ताव भेजे कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी किया जा सकता है, 3 विकल्प मैंने अभी आपको उन बताए थे, लेकिन जो विकल्प और दूसरे थे वो कमोबेश कहीं ना कहीं उनमें भौतिक परेशानियां आ रही थी, जैसे एलिवेट ऊपर से निकालने वाले था तो अनवरगंज तक जरीब चौक की गुमटी से वहां तक उतना ढलान नहीं मिल रहा था, वो उसमें फेल हो गया। इसके बाद जरीब चौक की चौराहे पे एक बहुत बड़ा पुरानी डॉट नाला पड़ा हुआ है, वहां पे खुदाई नहीं हो सकती, तो ये भी फेल हो गया। अब इस बार फाइनली रेलवे के जो उन्होंने बोर्ड के गठन की थी उसने फाइनली रिपोर्ट ये दे दी है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मंदना से मकसूदाबाद स्टेशन बना के पनकी रेलवे लाइन को जोड़ा जाएगा, और इसके साथ ही ये रेलवे लाइन जो है पूरी सेंट्रल स्टेशन तक मिलाने का काम किया जाएगा, ये निश्चित हो चुका है। शीघ्र ही इसकी घोषणा भी हो जाएगी और शीघ्र ही इसका कार्य भी हो जाएगा। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, उस हैसियत से यहाँ बैठ के आज आश्वासन देता हूँ कि ये मोदी की सरकार है, प्रोजेक्ट बड़ा है, काम देर से होना स्वाभाविक भी है, लेकिन जितनी जल्दी होगी ये ट्रैक पड़ेगा उतनी जल्दी रेलवे लाइन उठेगी। मैं यहाँ आश्वासन दे रहा हूँ कि अब हमारी योजनाएं बनती उनमें तेजी से काम होता है, अब वो पहले वाले दिन चले गए, टेक्नोलॉजी भी अब बढ़ गई है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि केवल भाजपा ही सरकार, आज आधुनिक टेक्नोलॉजी या आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उस काम को, जो काम 3 साल में हो सकता था वो 2 साल में हो सकता है, 1.5 साल में हो सकता है, तो हो सकता है 5 साल की जगह 3 साल 3.5 साल में ये ट्रैक हट जाए और इससे हमें मुक्त मिल जाए। रंजीत जी, जी आपको नहीं लगता है कि मेट्रो की जो आपने शुरुआत की है जी, अगर उस मेट्रो को रोक कर, उस मेट्रो को रोक कर पहले आप इस पर कॉन्सेंट्रेट कर लेते, अगर आप इस चीज को हटाने पर कवायद कर लेते तो जो सधा हुआ, जो रुका हुआ, जो व्यापार है, जो पहले से इस्टेब्लिश है, उस व्यापार पर चोट ना लगती, जो लोग हैं, जो परेशानियां पर्डे वहां पे हो रही हैं, वो परेशानियां नहीं होती, 20 लाख की आबादी जो आसपास के क्षेत्र की प्रभावित है वो ना होती। मैंने आपसे कहा कि ये कोई छोटा काम नहीं है, और किसी सांसद के ये कह देने से कि नहीं है रेलवे लाइन हट जाए और हट जाए, ऐसा भी संभव नहीं है, उसके लिए विशेषज्ञ आते हैं, क्या संभव है। भाई आज ये मान के चलिए इतनी सुदूर जगहों से आज हमारे यहाँ प्याज आता है बाहर से, अगर वहाँ से प्याज नहीं आएगा तो 20 रुपए वाली चीज़ 100 रुपए में, तो मालगाड़ियों से हमारे शहर की आपूर्ति के लिए सामान आना भी जरूरी है। तमाम ट्रेनें ऐसी हैं जो इससे निकलती हैं, उनको तत्काल बंद भी नहीं किया जा सकता है। आज हम इस रूट पर जो है इतना ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं कि इसको तत्काल बंद भी नहीं कर सकते हम, तो उसके विकल्प के लिए पहले तो प्रयास कि बंद किया नहीं कर सकते, नहीं बंद नहीं कर सकते। दूसरा, एक रेलवे ट्रैक आप तब तक कहते हैं ना पैरेलल आप बना सकते थे, कहीं पे आप बना सकते थे, इसको बाद में बंद करते, पहले उसको बनाने की कवायद करते कि शुरुआत वहां कर दें ताकि जैसे वहां चालू हो। नहीं नहीं, शुरुआत तो पहले की जाएगी, मैं आपसे पूरी शिद्दत के साथ ही कहना जा रहा हूं, ऐसा थोड़ी कि पहले ये हटा के और फिर वो जोड़ दी जाएगी। आप देखिए निकट भविष्य में ये खुशखबरी, आज मैं आप लोगों के मध्य अपने मित्रों के साथ ये शेयर कर रहा हूं कि आपको शीघ्र ही खुशखबरी मिलेगी कि वो जो मंदना ट्रैक है वो चालू हो जाएगा, उधर वो ट्रैक बिछता रहेगा और जैसे ही वो ट्रैक चालू होगा ये रेलवे लाइन बंद हो जाएगी, और हम भी एक
कानपुर के शहरी, मैंने आपको आरंभ में ही बताया था कि मुझे भी पीड़ा है, मैं भी जाम में फंसता हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है, मुझे भी चिड़चिड़ाहट होती है। आपको लगता है यहाँ के नागरिक होने के नाते कह रहे हैं कि आप लोगों की बात से रंजीत जी समझ गए, रंजीत जी ये कह रहे हैं उदय जी कि उनको आम नागरिक होने की वजह से पीड़ा है। उन्होंने कहा कि यकीन मानिए भाजपा की जो सरकार है वो अब ले लेगी निर्णय और अब कुछ करके दिखा देंगे, पहले की यूपीए सरकार या बाकी सरकारों की तरह नहीं है। आपको लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है? बहुत हमारे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, पर मैं इनकी बात को काट कहना चाहता हूं कि सिर्फ भाजपा प्रयास कर रही है, सिर्फ प्रयास, और प्रयास का रिजल्ट क्या है ये आपके सामने है, जनता के सामने है। देखिए उदय जी मैं अपनी बात स्पष्ट कर चुका था, देखिए जब आप बोले रंजीत भैया तो मैं नहीं बोला, मुझको बोलने का अनुराग भैया ने समय दिया तो मैं अपनी बात रख सकता हूं कि कुल मिला के यह कि भाजपा के पास सिर्फ बातों के अलावा कोई विषय नहीं है, कोई काम नहीं है। कितनी बार सर्वे हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि मैं भी उस क्रॉसिंग के बगल में ही रहता हूं गुमटी में, और मैंने देखा कितनी बार सर्वे, पर धरातल में क्या है, पटरी अभी भी है, वही है, ट्रेनें 50 ट्रेनें रोज निकलती हैं, जाम रोज लगता है। जैसे मित्र मेरे आलोक ने बताया कि बच्चे फंसते हैं, लोग ट्रेनों के ऊपर से कूद के जाते, किसी को जान की परवाह नहीं। और मेरे मित्र रंजीत भैया ने एक और बात कही कि सिर्फ मंदना और अनवरगंज की ट्रेनों पे ही, स्टेशनों पे ही आके सामान उतर सकता है, ऐसा नहीं है। अगर मंदना क्रॉसिंग तक जाए वहाँ से भी ऑटो लोडर आते हैं, छगरपुर मंडी तक ऑटो लोडर जाते हैं, तो वहाँ से भी अगर ट्रेन ये क्रॉसिंग हट जाए तो वहाँ भी ऑटो लोडर से सामान शहर में मंडियों में आ सकता है, ऐसी समस्या नहीं। देखिए उदय जी अनुराग जी, उदय जी ऐसा नहीं कि हम सब लोग यहाँ पे जो विकल्प बता रहे हैं वो विकल्प रेलवे या सरकार के दिमाग में नहीं है, सारे विकल्प बताइए है कि अब फाइनली ये डिसाइड कर लिया गया है कि ये ट्रैक हटाने के अलावा और कोई चारा शेष नहीं बचा। कहाँ डिसाइड हो गया ये बताइए, कहाँ लग रहा है जनता को या पब्लिक को या आपको, हम कह रहे हैं या मेरे दो मित्र बैठे इनको लग रहा है, अखबार पढ़ते होंगे, हमारे सांसद जी ने फाइनली यहाँ के नागरिकों को आश्वासन दिया है। सांसद जी तो 2012 से आप खुद ही बता रहे हो, मैंने मुरली मनोहर जी आश्वासन देते रहे, पचौरी जी आश्वासन दे रहे हैं जी, कोई चीज ऐसा होता है ना, कोई चीज ऐसा नहीं होता कि उस समय हमने विकल्पों पे, हमने 2012 आप 2012 की एक रिपोर्ट मेरे पास पड़ी है, अगर आप चाहें तो मैं आपको भेज दूंगा। 2012 में ये फाइनल डिसीजन ये उस समय भी लिया गया था कि भाई ये रेल का विकल्प कुछ होना चाहिए, लेकिन उसको ठंडे रास्ते में डाल दिया। एक मिनट मैं पूरी बात बता रहा हूँ जी रंजीत, साल बताइए कौन सा साल, 2014 में 12-20-8 साल, अरे 12-20-8 साल। तो भैया मैं बता तो रहा हूँ, मेरे लगातार प्रयास थे, जिन 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 प्रयासों पे, जिन जिन संभावनाओं पे, प्रयास ही है खाली, खाली रंजीत भैया प्रयास। उदय जी बीजेपी को किनारे अगर कर दें, चलिए बीजेपी के साथ आपकी साठगांठ नहीं बन पाती है, सही समीकरण नहीं बन पाता है, यूपीए की सरकार यहाँ पे रही, आप लोग भी रहे, अगर विपक्षी नहीं बार बार स्टेट की, देखिए स्टेट की, स्टेट का मुखिया भी बहुत मायने रखता है। और सबसे बड़ी बात मेट्रो की जब बात की जाती है तो अखिलेश यादव जी बिल्कुल शान से कहते हैं कि ये तो हमारा लाया हुआ प्रोजेक्ट है, पालका स्टेडियम में आके उद्घाटन कर गए थे, उद्घाटन कर गए थे, जिसको आज भाजपा अपना कार्य बता रही है, ठीक है वो कार्य बता रही, लेकिन आपको नहीं लगता कि उस समय अखिलेश यादव को प्रमुखता से मेट्रो को छोड़ के पहले व्यापारियों की परेशानी को दूर करने के लिए, आम जनमानस की परेशानी को दूर करने के लिए उतनी शिद्दत से करना चाहिए था कोशिश? अनुराग भैया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आह्वान है कि जनता के एक एक मुद्दे पर विपक्षी दल होने के नाते हम लोगों को सड़कों पर उतर के अपनी आवाज माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ऊपर हम लोग निरंतर भिजवाते रहे। सड़कों पर ही उतर के क्यों आम जनमानस को फिर परेशान करने वाली बात, आप सड़कों पे उतरेंगे, जाम लगाएंगे, हड़ताल नहीं, जाम की कभी ऐसी स्थिति नहीं कि समाजवादी पार्टी का धरना होगा और जनता उसमें, वहाँ पे जनता परेशान होती है, जनता कभी कभी हम लोगों ने जनता को परेशान करने की स्थिति पैदा ही नहीं की, नहीं है लेकिन होता है ना, आम कभी ऐसा कभी नहीं हुआ, आप ऐसा कभी नहीं हुआ भैया। आला कमान जो आपका है वो सीधा क्यों नहीं ऐसा करता, आला कमान ने मैंने आपको पहले बताया कितनी बार लिख के सेंट्रल को चिट्ठी दी, आवाज उठाई, पर अभी तक ऐसी कोई, एक चीज बताइए जब बात आती है सेंट्रल की, जब मोदी सरकार की बात आती है सारे विपक्षी पार्टियां एक हो जाती हैं,
सब एक साथ हो जाते हैं, महागठबंधन भी बन जाता है कि सरकार को गिराना है, जब उस समय आप लोग कोशिश ये कर सकते हैं तो सारी ये पार्टियां, अगर मान लीजिए बीजेपी नहीं सुध ले रही है तो ये सारी विपक्षी पार्टियां महागठबंधन बना के आम जनमानस के लिए क्यों नहीं उतरती मैदान में? यही तो मैं अनुराग भैया कह रहा हूँ, उतर नहीं, उतरी हुई है। क्या विरोध समाजवादी पार्टी है, व्यापार मंडल कर नहीं रहा? हमारी एक विंग है व्यापार मंडल की, वो भी विरोध करती। व्यापार मंडल की बात आप किनारे कर दीजिए, इसलिए क्योंकि व्यापारी का नुकसान होगा तो व्यापार मंडल करेगा। राजनीतिक व्यापार मंडल जो आपका है उसकी बात अलग है, वो लाल टोपी लगा के वो फिर विरोधाभास करने, विरोध उतरने के सड़क पे उतरेगा। विरोध विरोध करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, समस्या का निदान करने की बात कीजिए। समस्या ये है कि आम जनमानस परेशान है, व्यापारी परेशान है, व्यापारियों के साथ ये हाल हो जाता है कि फैक्ट्रियों में माल पड़ा है, विदेशी जो यात्री हैं वो अमौसी से आते हैं, वो जाम की वजह से रास्ते में फंस जाते हो, उनके फ्लाइट वापस होती है, वो वापस चले जाते हैं, पता चलता है वो माल वैसे का वैसा पड़ा रह गया। अब आप ये बताइए, ये क्या समस्या नहीं है? ये बहुत बड़ी समस्या, यही तो कह रहे हैं कि हम लोग विपक्ष के होने के नाते आवाज ही तो उठा सकते हैं और सरकार से अनुरोध कर सकते हैं, लेकिन और सत्ता में आप रहे हैं, सत्ता में भी हम लोगों ने आवाज उठाई, सत्ता में भी सेंट्रल को लिख के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई बार दिया, हमारे विधायक कई बार सदन में आवाज उठा चुके हैं, हमारे नगर अध्यक्ष कई बार लिख के दे चुके हैं। ठीक है, चलिए मान लिया आपने आवाजें उठाई, आज भी आवाजें उठा रहे हैं, हम देख रहे हैं आप लोग बहुत आवाजें उठा रहे हैं, 2022 की तैयारी के लिए आवाजें बहुत गूंज रही हैं आपकी, बहुत अच्छी चीज है। रोहतगी जी, जब बात आती है करोड़ों रुपए खर्च करने की, इन्वेस्ट करने की, सरकार हमारी करोड़ों रुपए ऐसी सी जगहों पर खर्च कर रही है जहां पे शायद उससे ज्यादा आम जनमानस को जरूरत है। नई संसद भवन को छोड़ दीजिए, नई संसद भवन बन रही है, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ बात करें यूपी की, अगर कानपुर शहर की, औद्योगिक नगरी अपनी पहचान छूप, अपनी कहते हैं ना पहचान खत्म होती जा रही है उसकी, औद्योगिक नगरी उद्योग ही नहीं चल पा रहा है, टेनरियां पहले से बंद पड़ी हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट की वजह से, जो थोड़ा बहुत व्यापार चल रहा है वो इस रेलवे ट्रैक की वजह से, 19 जो यहाँ पे रेलवे ट्रैक जो क्रॉसिंग है उसकी वजह से परेशानी है लोगों को, आम जनमानस को, आए दिन एक्सीडेंट भी हो जाते हैं हलबड़ाहट में। आपको लगता रोहतगी जी कि जो ये रेलवे ट्रैक हट जाएगा तो इसकी जो ज़मीन है, इसकी ज़मीन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है रेलवे की तरफ से, वहाँ पर नई इमारतें बन सकती हैं, नए व्यापार शुरू हो सकते हैं, नए कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं, ये अभी तक सुध क्यों नहीं ली गई? देखिए ये पॉइंट भी आया था जी कि रेलवे ट्रैक पे इतना खर्चा है हटने पे, तो जब इतने खर्चा तो हम लोगों ने एक प्रपोजल दिया था कि जितने का आप खर्चा बता रहे हैं उससे ज़्यादा की तो ज़मीन बिक जाएगी, और ज़मीन बिक कर वहाँ पर किसी ना किसी तरह का कि दुकानों का या किसी भी तरह का जो भी प्रपोजल सामने आएगा उसको किया जा सकता है, क्योंकि ज़मीन की कॉस्ट भी बहुत थी। तो ऐसे ये देख रहे हैं, और हम लोग की चर्चा से तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ये इशू ऐसा है जिससे कि पूरा शहर परेशान है, मतलब किसी ना किसी फॉर्म में उसको इफेक्ट है, चाहे वो व्यापारी है चाहे कोई भी है। तो जब ऐसी बात है तो अभी आपने देखा होगा कि मोदी जी ने एक अपने उसमें कहा कि वो किसानों वाले उसके लिए कि मुझे नहीं चाहिए अपने उसके वो, आप क्रेडिट आप ले जाइए कोई भी पार्टी। तो यहाँ पर भी यही इशू लेकर चलना पड़ेगा कि इसको हटाना, जैसे अभी मेट्रो है, मेट्रो की इतनी इम्पोर्टेंस हम नहीं समझते कि अभी इतनी जरूरत थी जी। अगर हम इस पे आ जाते कि इसको हटाना ही है तो उसको हम पहले हटाते तो शायद हमारा जो है मेट्रो से तो अभी परेशानी है, यही मैंने कहा काफी समय तक परेशानी है। तो हमें इश्यूज ऐसे उठाने चाहिए जो कि ये लगे कि शहर में वाकई स्मार्ट सिटी की बात चल रही है, स्मार्ट सिटी कहीं से दिख नहीं रहा है। जब आदमी को 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर इधर से उधर जाने के लिए 4-4 घंटे लगने हो तो वो क्या स्मार्ट सिटी बन सकता है? तो इसको, इस इश्यू को जो है वो हर व्यक्ति को अपना वो निभाना पड़ेगा कि अपना कर्तव्य कि हमें इसको हटाना है, इसमें कौन सरकार हटाएगी कौन सरकार नहीं हटाएगी, किसको सपोर्ट मिले। हर जना ये सोचे कि हमारे समय में ऐसा हो तो ये पॉसिबल नहीं, आपको तो ऐसा ये वाला इशू ऐसा है जिसमें कि सबको मिलकर, इसीलिए मर्चेंट चैम्बर भी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है और पूरी तरह से अब लिखा पढ़ी कर शासन प्रशासन सबको लिखा पढ़ी। आज देखिए नगर निगम में पास हो गया कि रेलवे ट्रैक हटना चाहिए। एक इसी तरीके से अभी हम लोग मुख्यमंत्री जी को भी अप्रोच करेंगे कि वो हम लोग की बात सुने और उनसे ये कहेंगे कि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इन स्पाइट ऑफ कि अदर जो एक्टिविटीज़ में खर्चा हो रहा उसकी जगह इसको मान लिया जाए कि खर्चे के विषय में, इसके विषय में ना सोचा जाए।
पचौरी जी से भी मिलेंगे हम लोग और इनसे भी मिलेंगे, महाना जी से नहीं। रोहतगी जी, इसको मेन इशू जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि देखिए दूरदृष्टिता जब एक शासक होता है तो सबसे बड़ी उसकी चीज होती है दूरदृष्टिता। आप करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं गंगा की सफाई के लिए, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। जिस तरह से मैंने भी इस चीज़ को कहा प्रमुखता से अभी कि हजारों करोड़ों का खर्चा आपने बताया, अगर जो हजारों करोड़ों रुपए आप वहाँ खर्च कर रहे हैं उसको पहले यहाँ लगा देते, मेट्रो को आप बाद में करते इम्प्लीमेंट यहाँ पे, पहले तो आदमी व्यापारी कर ले। कोरोना काल की वजह से व्यापार वैसे भी ठप था, अब जब वापस गाड़ी पटरी पे आई है तो एक इस पटरी की वजह से वो बेपटरी हुई जा रही है। सबसे बड़ी समस्या तो ये भी है ना रोहितगी जी कि सिर्फ नेतागिरी चल रही है, सिर्फ देखा बयानबाजी चल रही है। जितने संगठन हैं सबका अलग अलग मंशा है, आधे इधर के संगठन है आधे उधर के संगठन है, सारों को एक साथ आ जाना चाहिए, एक कहते ना मंच पे आना चाहिए। सही कह रहे हैं इस बात को कि सबको एक साथ आना चाहिए, जब सब एक साथ आएंगे और खुले दिल से आएंगे खुले मन से आएंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और जल्दी सॉल्व हो जाएगी। आलोक जी, सबसे अहम होता है व्यापारी का एक पक्ष, आपका जो जो व्यापार है वो कहीं ना कहीं ठप हो रहा है जैसा कि हम लोग देखते भी आए हैं, तो जितने भी व्यापारी संगठन है क्या आपकी उनसे बात हुई है? जिस तरीके से अभी देखिए किसान आंदोलन देख रहे हैं, 40 संगठन एक साथ एक मंच पे आ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 19 संगठन ऐसे भी हैं जो सरकार के पक्ष में खड़े हैं, तो यहाँ पर भी विरोधाभास है क्या व्यापारी संगठनों में? नहीं, इस प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है। हमारे साथ जयदीप चौकी व्यापार मंडल, लस्सी रोड गुमटी तो है ही है, कल्याणपुर भी है, रावतपुर भी है, और उसके अलावा आपके आगे गीतानगर भी है, उसका अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल भी साथ में है। कोई ऐसा व्यापार मंडल नहीं है कि जो इसके विरोध में हो। हाँ, देखिए एकाध के लिए तो मैं नहीं कह सकता कि कुछ लोग हो भी सकते हैं, लेकिन चूंकि इफेक्टेड सभी होते हैं, चाहे वो कलेक्टरगंज का हो, चाहे वो किदवई नगर का हो, चाहे वो दादरनगर पनकी का हो, कहीं का, क्योंकि शहर में सबको आना जाना है। और जब इस जाम में क्रॉसिंग की वजह से जो है और ट्रेनों के आने जाने से जाम में फंसता है तो त्राईमाम वो करने लगता है, और उसकी वजह से वो कई बार तो ये होता है कि लोग शहर आना छोड़ना चाह रहे हैं। मतलब अगर गोविंद नगर किदवई नगर की बात करें, भाई यहीं ले लो, वहाँ पे जाके क्या करेंगे, जाम में फंसेंगे, टाइम भी अलग लगेगा। तो इसकी वजह से जो चौपट बाजार हैं, इसके रेलवे लाइन के किनारे बसने वाले जो बाजार हैं वो विशेष तौर पर उन पर बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है इसका। तो आपको लग रहा है कि जो मेट्रो का जो काम चल रहा है ये इस कानपुर शहर की जो व्यापार की स्थिति है उसके लिए बहुत कुछ चेंजमेंट लेके आने वाला, बहुत उन्नति लेके आएगा? नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए मैं आपको बताऊं कि आप अगर आप लखनऊ के मेट्रो देखें तो मुझे नहीं लगता कि वो सक्सेस है, क्योंकि आदमी 30 रुपए किराया दे करके आप क्या समझ सकते हैं कल्याणपुर से वो रावतपुर आएगा, या कल्याणपुर से वो अगर आप देखें बेना जावर या जहाँ पर भी हर्षनगर या जहाँ पर भी बना रहे हैं वहाँ पे जाएगा? ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे यातायात के जो साधन अपने यहाँ पे हैं, टेम्पो है, ई रिक्शा है, ये सब जो भी संसाधन चल रहे हैं, तो ये बंद हो जाए तब मजबूरी में आदमी मेट्रो में चढ़ेगा, अन्यथा आप देख लीजिएगा आपके सामने स्थिति आएंगी कि मेट्रो का उतना ज़्यादा लाभ जो है मेट्रो को नहीं मिलेगा, ये तो मैं बता सकता हूँ आपको, क्योंकि जब तक टेम्पो चल रही है, सिटी बसें चल रही हैं, ई रिक्शा चल रहे हैं, तब तक 30 रुपये आदमी देने को तैयार नहीं होगा। सामान्य जनमानस वही होगा कि बच्चों को चलो मेट्रो में बैठा ले, एक बार बैठा दिया बस वही, उसके बाद मतलब एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ एक कानपुर का नाम हो जाएगा कि मेट्रो सिटी हो चुका है, खिलौना बन के रह जाएगा। चलिए क्लोजिंग की तरफ हमारा प्रोग्राम आ चुका है और हम आप चारों मेहमानों से क्लोजिंग स्टेटमेंट ले लें। रंजीत जी शुरुआत आपसे करते हैं, बहुत शॉर्ट में बताइए कि आखिर क्या निकलेगा रिजल्ट और कब तक? देखिए इस पर बहुत गंभीरता पूर्वक हमारे प्रयास चल रहे हैं, जैसा कि अभी हमारे मित्रों ने बताया जमीन और लागत, तो 700 करोड़ रुपए करीब जमीन है, 1400 करोड़ रुपए करीब प्रोजेक्ट पे खर्चा आने वाला है। सारी चीज़ों पे केडीएस भी बात चल रही है, केडी अगर ये जमीन लेके हमें बदले में वहाँ जमीन दे देता है, तो कुल मिला के कहीं ना कहीं अंदर से हम लोग हर तरह हर चीज़ पे विचार करके फाइनली इसको बिल्कुल करने के लिए तैयार हैं कि अब ये ट्रैक हटना है, दूसरा ट्रैक वहाँ पे बनना है, तभी चाहे हम व्यापार मंडल की बात क्यों करें, व्यापारियों की बात क्यों करें, आम जनमानस की पीड़ा ही है, आम नागरिक इससे परेशान है। कभी कोई बीमार पेशेंट अगर दूसरे क्षेत्र से दक्षिण से उत्तर में आता है, जैसा मित्रों ने बताया यहाँ पे हार्ट हॉस्पिटल भी है, और भगवान न करे अगर कभी उसको कुछ हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम लोगों की आत्मा में दर्द होता है, हमें भी लगता है कि ये रेलवे लाइन
ना होती तो शायद उसके प्राण बच सकते थे। तो पूरी शिद्दत से ये प्रयास किया जा रहा है। मैं आज आप लोगों के सामने कहता हूँ कि बहुत शीघ्र ही इसका इसको हटा के जो भी होगा सब लोग नागरिकों को सुविधा मिलेगी। और यहाँ के जनमानस और व्यापारी भाइयों से चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि हम सब लोगों को बिना राजनीति करे हुए शहर के विकास के लिए, शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। दुकानदार भाई, जैसे बात रेलवे ट्रैक की है, तो हम यहाँ पे भी कहना चाहता हूँ कि दुकानदारों ने अपने यहाँ जैसे अतिक्रमण कर रखा है। इसकी तरह रंजीत जी, देखिए अतिक्रमण बाद की बात करेंगे, सबसे पहले तो ये जो रेलवे ट्रैक का जो अतिक्रमण है कानपुर शहर के व्यापार पर, आम जनमानस पर, उसको पहले समाप्त करने की बात कर लें। रुद्गी जी, बहुत शॉर्ट में अब आगे क्या स्टेप लेने वाले हैं आप लोग, किस तरीके से आप वार्ता को आगे बढ़ाएंगे ताकि जल्दी इससे निजात मिले? देखिए, अब ये क्लियर हो गया कि ये ट्रैक को हटाना है, इसके बिना कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। पहले वो कोई ना कोई अल्टरनेटिव कहकर बात को आगे बढ़ा देते थे, तो अब हम लोग इस पे पूरी कार्रवाई करेंगे हर तरह से, हर स्तर पे, कि क्या कहते हैं लिखा पढ़ी करके कि सिर्फ अब ट्रैक को हटाने की बात है तो ट्रैक को हटाया जाए जल्द से जल्द। उदय जी, कोई नारेबाजी नहीं, कोई विरोधाभास नहीं, कोई सड़कों पे जाम चक्का जाम नहीं, सिर्फ इतना बताइए कि आप लोग एकजुट होकर राजनीति भूल के जनता के लिए कब आगे बढ़ेंगे, कैसे आप लोग अपनी कोशिश करेंगे? मैं भैया पहले भी आपको बता दूं कि जितने व्यापारी संगठन हैं हम लोग सबके संपर्क में हैं, चाहे वो गुमटी व्यापार संगठन हो, चाहे 80 फीट व्यापार, हम लोगों ने बराबर इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम दिया है। जैसा कि भाजपा कह रही है कि ये जल्द हटेगा, तो मैं देखता हूँ कि भाजपा कब और कब तक इसको हटाती है। ये भाजपा का विषय, फिलहाल 8 साल से ना भाजपा का कोई सांसद ना भाजपा का कोई मंत्री इसको हटा पाया है। फिलहाल हमारी सरकार आएगी तो हम इसको हटाने का जरूर प्रयास करेंगे। बिल्कुल, वो भी सेंट्रल की समस्या आपके सामने भी है कि सेंट्रल में आप आ नहीं पाते हैं तो इसमें नहीं हट पाती है। चलिए आलोक जी, बहुत शॉर्ट में व्यापारी संगठन अब जो आप लोग हैं कैसे कवायद करेंगे, कहाँ तक आवाज पहुंचाएंगे और किस तरीके से काम होगा? देखिए, इसमें जो है मैं आपको बता दूं कि जैसा कि अभी मर्चेंट चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, आईआईए और अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, बाकी समस्त व्यापार मंडलों ने मिलकर के 51 सदस्यीय इसके अंदर जो है कार्यकारिणी बनाई गई है, और उसके अंदर क्या है कि कानपुर समग्र कानपुर विकास संकल्प समिति बनाई गई है, जिसके अंदर कानपुर के कई चीजें हैं। रेलवे ट्रैक तो प्रमुखता से है, उसके अलावा भी जहां जहां लगता है कि कानपुर का स्मार्ट सिटी या कानपुर को सुदृढ़ करने के लिए कोई प्रयास करने होंगे तो उसको लेकर के वो समिति का गठन कर दिया गया, और निश्चित तौर पर बहुत ही जल्दी इसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे उस समिति द्वारा जो है कि जो भी विकास के कार्य हों या ट्रैक को हटाने के कार्य हों उस पर बहुत तेजी लाई जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का चर्चा में आने के लिए और जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, आज हमने जानने की कोशिश की कि क्या कुछ आगे रणनीति हो सकती है इस अनवरगंज से मंधना रेलवे ट्रैक को हटाने के लिए, क्योंकि व्यापार के लिए और आम जनमानस के लिए ये नासूर बना हुआ है, कानपुर को दो हिस्सों में बांटने वाला ये रेलवे ट्रैक। फिलहाल अगले किसी एपिसोड में फिर आपसे जुड़ी हुई किसी अन्य समस्याओं के साथ जल्द होंगे हाजिर। तब तक आप देखते रहिए रणक्षेत्र। हर सवाल का जवाब हम उठाएंगे, आपसे जुड़ी हर बात हम बुझाएंगे, सवालों की आग रहेगी हर मुद्दे पर पैनी नजर, बड़ी खबरों पर बड़ी बहस, अब सजेगा विचार, बहस पक्ष विपक्ष का रणक्षेत्र।